आज से 10 साल पहले, ये देखे जरा वीडियो है कि आपको भी प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। कि आपने मेफेयर के अंदर जो आपकी 4 अपार्टमेंट्स हैं उनकी 1 अरब रुपए से ज्यादा उनकी कीमत है, अब 4.5 अरब तक पहुंच गई है उनकी कीमत। आपने अपनी जो टैक्स में टोटल आमदनी बताई है 94 में 1.5 लाख रुपए। मुझे ये बताएं कि आपने अरबों रुपए की मेफेयर में प्रॉपर्टी खरीदी कैसे? ये अब उसका जवाब आता है। सलमान शहबाज शरीफ का बेटा जो मफरूर हुआ है, वो इसका जवाब देता है। बात यह है कि जिन अरबों रुपए की मेफेयर की प्रॉपर्टीज की ये बात कर रहे हैं, ये तो पहले पता नहीं है। बताएं कौन सी प्रॉपर्टीज है, लाएं दिखाएं, उसको कुछ प्रूफ लाएं। दे रहे हैं ये, जरा मैं चाह रहा हूं गौर से देखें। 2012 में मैं कह रहा हूं कि इनकी प्रॉपर्टीज हैं। अब मरियम बीबी को सुने कि इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपनी किधर से प्रॉपर्टीज निकाल ली, मेरी तो लंदन छोड़े पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। अब जरा आगे चलो पैनमा का। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज के बैरून मुल्क खुफिया असासों का इंकशाफ। पनामा लीक्स ने बैरून मुल्क खुफिया दौलत का भांडा फोड़ दिया। पैनामा में बैनुल अक्वामी इंकशाफ होता है और जिन जिन्होंने छुपाए होते हैं अपने असासे, वो सारे सामने आ जाते हैं। नवाज शरीफ के बेटे हुसैन शरीफ क्या कहते हैं, जरा सुने। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ, उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीदा जो है। शुक्रिया शुक्रिया, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, अल हक है तू, सच का खुदा है।